क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज टू 14 और x माइनस वाई इज टू 4। तो प्रतिस्थापना में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापना का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना। इनके x या y की वैल्यू इन दो समीकरणों में से एक में हम निकालेंगे y की टर्म में, और या y की वैल्यू निकालनी है x की टर्म में, और उसे प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे इक्वेशन में। तो आइए हल करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमारा एजी है, यहाँ लेते हैं हम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है सेकंड इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू वाई प्लस 4 किसमें प्रतिस्थापित करनी है, समीकरण एक में। क्या होगा, एक्स का कितना करना है, वाई प्लस 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 14। इनके एक्स कितना करना है, वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब 2y, वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 10। तो 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 वन इज 2, 2 5 जार 5, आगे हमारा y इज इक्वल टू 5। और y इज इक्वल टू 5 जो है हम समीकरण दो में रखते हैं, कहीं भी रख सकते हैं हम समीकरण दो में या एक में, हम दो में रखते हैं। देखिए y क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y कितना है, x माइनस y कितना है हमारा, y की वैल्यू है 5, 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 9। देखिए हमारा x कितना आया, x इज इक्वल टू है हमारा 9, एंड y इज इक्वल टू कितना है हमारा, y इज इक्वल टू 5। ये हमारा हल आ गया। एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये फ्रैक्शन में है इसे हम सिंपल उसमें लिखेंगे, ताकि ये फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करते हैं। लीजिए देखते हैं, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसका हम जैसे सिंपल फ्रैक्शन एडिशन करते हैं वैसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं इसका एक हमारा 6। अब 2s प्लस 2 थ्री टी इज इक्वल टू 6, इनके 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 यहाँ जाएगा तो 36 होगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। इसे हम लेते हैं मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ये लिखे हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हमने करना है प्रतिस्थापन करना है, तो कौन करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे कोई फ्रैक्शन के साथ अचर नहीं है, इन जो फ्रैक्शन है जो हमारे अचर है इनके साथ कोई चर नहीं है, तो हम इनको लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, यानी कि एस इज इक्वल टू टी प्लस 3 को क्या करना है, हमने समीकरण एक दो में रखना है। फिर समीकरण दो में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। एस की जगह क्या लिखना है आप, टी प्लस 3, यानी कि 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36, यानी कि हो जाएगा हमारा 2t प्लस 3 टू 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t हो गया हमारा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 हो गया हमारा। अब 5t इज इक्वल टू 30, आगे यहाँ करते हैं, 5t इज इक्वल टू कितना है हमारा 30। तो t क्या हो जाएगा हमारा, t बराबर है 30 अपॉन 5, 5 का 5, 5 का 30 हो गया हमारा 6। अब t इज इक्वल टू 6 कहाँ पुट करना है, हमने इसमें पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो हमने यहाँ करना है, इसमें करना है, इसको करना है समीकरण एक में रखने पर।
क्या होगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s माइनस टी कितना है, 6 इक्वल टू 3। s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो s आया हमारा 9 और t आया हमारा, t कितना आया था हमारा, इज इक्वल टू 6। इस प्रकार जो इस प्रश्न को हम हल करेंगे, 3x - y इज इक्वल टू 3 एंड 9x - 3y इज इक्वल टू 9। तो इसे हम करते हैं, मान लीजिए इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इससे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या है, 3x - y इक्वल टू 3, यहाँ जो है क्या है, अचर नहीं है तो इसमें हमारा इजी रहेगा। तो यहाँ लेते हैं हम 3x, इसको लेंगे हम लेफ्ट साइड पे, -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा y। तो y इज इक्वल टू 3x - 3 को कहाँ पे करना है, समीकरण 2 में अगर रखने पर। क्या होगा देखिए, क्या हमारा 9x - 3y इज इक्वल टू 9। तो हमारा क्या है y, 9x - 3 इंटू y, y कितना है हमारा, 3x - 3 है, इज इक्वल टू कितना है हमारा 9। देखिए यहाँ 9x - 3 सर 9x - 3 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसी कोई भी हम x की कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, x के सभी मानों के लिए जो इक्वेशन जो है हमारी ये सेटिस्फाई करती है। तो x का कोई हम पर्टिकुलर मान नहीं निकाल सकते, तो x का कोई पर्टिकुलर मान नहीं निकाल रहे तो y का भी कोई मान नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक ही है। देखिए क्यों, क्योंकि 9x - 3y इक्वल टू 9, इसको हम 3 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 3 9, यानी कि 3x - 3 * 3y इसको 3 3 9, 3x - y इक्वल टू 3, जो कि सेम टू सेम यही इक्वेशन है। ये इस वजह से हुआ, एक्स का कोई पर्टिकुलर मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स के सभी मानों के लिए जो है हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी।